करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवी महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या ये मेरी समाधि अचानक क्यों ये मेरी समाधि आज खुल गई? मैं समाधि में लीन था, अचानक ये मेरा बड़ियाई मन उस मृत्युलोक में जाने के लिए क्यों उद्गन हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है जिस भूमि को मृत्युलोक को मेरे पिता ने दान में दे दी थी, आज वही मृत्युभूमि में जाने का मेरा ये बड़ियाई मन हो रहा है। क्यों नहीं मुझे इसका ख्याल करो भोलेनाथ, आखिरकार ऐसी क्या बात है? जय विदित हो गया, विदित हो गया मुझे अब विदित हो गया कि भूत भवन भगवान शंकर के विशाल अजगो के वहां जाकर के मैं दर्शन करूंगा। और गुरु भाई जनक के उस यज्ञ में मुझे हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि इसलिए चलूं मिथिला नगरी, मुझको दर्शन शुभ माना है, क्योंकि आज गुरु भाई जनक भीषण स्वयंवर रचा है, उसमें मुझको जाना है। हो रहा स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आले का उठा विचार, यहाँ उस लंकेश्वर अम्बानी का जाता, यदि नहीं वहां पर मैं तो वो अनर्थ दिखलाएगा, वो मत से मत वाला रावण मन मानी कर दिखलाएगा। लेकिन रे नीच दशानन ठहर जरा, तू पाप न करने पाएगा, इस बाणासुर के समक्ष दशमुख तू नहीं विजय को पाएगा। जगदीश जगतपद नर्तन में जहाँ राम रूप में आए है, जाने के हित शुभ घड़ी मिली, भक्तों हित भगवान आए है। एक मेरी इस रौनकपुर की रक्षा करना राम देवते, मैं अब मिथिला की ओर जा प्रस्थान कर रहा हूँ। भवन भगवान शंकर के विशाल अजगो, इस बाणासुर का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। एक बार सभी लोग बड़े जय घोष के साथ जयकारा लगाएं, बोले शंकर भगवान की। बहुत सुंदर, अति उत्तम ये मिथिला स्वयंवर रचा विदेहराज जी ने। क्यों नहीं जब तक ये बाणासुर है तो इस मिथिला मैथिल अधिवेशन में कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सभी लोग आराम से बैठे, सभी लोग बैठे, हे लंका के भगवान बोले मिथिला के मेहमान, जय शंकर की। तुम कौन हो हमसे जय शंकर करने वाले, तुम कौन हो? मैं सोनतपुर निवासी, भोलेनाथ के पावन पिनाक रावण का प्रणाम स्वीकार हो। सावधान मिथिला वासियों, मिथिला की पावन भूमि में अजगो का ना खंडन होगा, जो तोड़ेगा अजगो को, जो छुएगा अजगो को, उसके मस्तक का खंडन होगा। सावधान सावधान सावधान। लंकेश जी आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी ना लगी कि इसका खंडन नहीं होगा। नहीं बहुत अच्छी नहीं लगी, थोड़ी अच्छी लगी, नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी काहे कह रहे हो? इसलिए बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ हाँ हम तो दुनिया को अच्छे नहीं लगते, तुम्हें क्यों लगेंगे? सत्य कह रहे हो, लेकिन आज इसका खंडन होना है। किसका? इस अजगो का। क्यों? साहित्य में निकला है? साहित्य में नहीं निकला। नहीं, पंचांग में लिखा है क्या? नहीं, ये महाराज का प्रण है।
महाराज का प्रण है, ये महाराज के बाप का है, राजा जनक के पिता का है, ये विश्व की धरोहर है और विश्व का सम्राट है रावण, तो फिर कैसे टूटेगा? आप कह रहे हैं कि विश्व का सम्राट है दशानन। अगर दशानन जी आप यहां मिथिला में आए हो तो कुछ ऐसा कार्य करो कि जो पूरे मिथिलावासी तुम्हारा भी सम्मान करे और साथ ही हमारा भी सम्मान करे। दुनिया हमको गाली देती है, क्यों? रावण को कोई सम्मान देता है क्या? रावण आवत सुनो सकोहा, हमें देख करके लोग छुप जाते हैं, तुम सम्मान की बात कर रहे हो? बजवल विश्व विश्व कर राखिस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करत निज मंत्र। मैं अपनी मंत्रणा से राज करता हूं, फिर हमसे कोई सुखी नहीं हो सकता। क्या निशाचरों से कोई सुखी होता है? बताओ, निशाचरों के मिलने से कोई सुखी होता है क्या? मैं राक्षस हूं और राक्षसों के मिलने से अगर कोई सुखी होता हो तो बताओ, उससे तो हम भी मिलना चाहेंगे भाई। हमसे मिलकर के, राक्षसों से मिलकर के अगर कोई प्रसन्न हो रहा है तो उसका स्वागत है, वो हमारी लंका में चल सकता है। तुम्हें प्रसन्नता हुई? हमें अभी तो नहीं हुई है। नहीं हुई है, चलो बाद में हो जाएगी। हाँ हाँ, आप ये बताओ कि आप धनुष के क्या लगते हो? मैंने कहा धनुष का खंडन नहीं होगा, पूरी समाज मौन है, लेकिन किम केवल अकेले तुम बोले हो, तो तुम कौन? मैं, हमारा गुरु भाई जनक है। जनक गुरु भाई है? हाँ हाँ। किस नाते से? उनकी पुत्री का विवाह हो रहा है। नहीं, जनक आपका गुरु भाई है किस नाते से? सैब नाते से। सैब नाते से, आप भी सैब हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शंकर इस त्रिभुवन के गुरु हैं, तो सारे गुरु भाई हैं, एक भी गुरु भाई नहीं बोला, केवल आप बोले हो, कारण बताओ। लंकेश जी, मिथिला में तुम आए हो तो इस पर भी तनिक विचार करो, और गुरुदेव जनक ये भाई है इस पर भी तनिक विचार करो। अगर रह गई कुंवारी कुंवारी तो अपमान तुम्हारा भी होगा, सीता को ऊपर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा। सीता को वर श्रेष्ठ मिलेगा ही, ये रावण कह रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग यहां बैठे हैं, बाकी लोग तो चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जगदम्बा जानो जी सीता। सीता क्या है? जगत की मां। तो उसका पति कौन होगा? जगत का पिता। ठीक, तो सीता को वर तो श्रेष्ठ मिलेगा, फिर धनुष क्यों तोड़वाया जा रहा है? जब माता गौरा ने कह दिया है, मन जाहि राचियो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो, यही बात गौर असीस सुन सी सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मल मंदिर चली। मन जाहि राचियो, सीता जी के मन में जो अच्छा होगा, सीता जी के मन में जो बस जाएगा, वही उनका पति होगा। तो फिर इसे काहे बलिवेदी पे चढ़ा रहे हो? क्योंकि सीता ने इसको उठाया था। नहीं, सीता जी ने उठाया था, ये उनके घर का काम है। हाँ हाँ, तब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीता, तब महाराज ने यही प्रण किया है। सीता जी ने तो थाली भी उठाई होगी, सीता जी ने तो गिलास भी उठाया होगा, सीता जी ने भोजन का निवाला भी उठाया होगा, बहुत सी चीजें उठाई होगी, तो सब तोड़वाओ फिर। ऐसा नहीं है। नहीं, कोई साधारण चीज नहीं है धनुष। नहीं, धनुष तो साधारण नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं, धनुष साधारण नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इसे साधारणता क्यों तोड़वाया जा रहा है? केवल एक कन्या के विवाह में धनुष का खंडन हो रहा है, क्यों? ऐसे अगर अस्त्र शस्त्र तोड़े जाने लगे कि तो किसी भी व्यक्ति के घर में कन्या का विवाह होगा, अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए जाएंगे,
आगामी भविष्य में कोई विवाद हुआ, कोई युद्ध की स्थितियां बनी, तो ये दिव्यास्त्र कहां से आएंगे? और बिना अस्त्र शस्त्रों के क्या युद्ध लड़ा जाता है? नहीं। अगर बिना अस्त्र शस्त्रों के युद्ध नहीं लड़ा जाता तो फिर ऐसे दैदीप्यमान दिव्य आयुध का खंडन मिथिला की रंगभूमि में क्यों? अगर जनक के पक्ष से तुम खड़े हो तो बोलो, क्यों तोड़वाया जा रहा है? लंकेश जी, हाँ, आज धनुष्कर्षण होगा। अच्छा, हाँ, यदि नहीं धनुष्कर्षण होगा तो फिर बालों का वर्षण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगो का आकर्षण होगा। ये चमकेगी मेरी चंद्रहास, चमकेगी मेरी चंद्रहास, ये मुंडों का मर्दन होगा, ये गूंजेगी मिथिला के भूम में। आज नहीं धनुष्कर्षण होगा, न आज धनुष्कर्षण होगा, न आज धनुष्कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष्कर्षण होगा तो मुंडों का घर्षण होगा, आग लगेगी आसमान में और तारों का नर्तन होगा, आज धनुष्कर्षण होगा। ये बड़ी वीरता है तेरी, उस वीरता का अमर्दन होगा, अंबर छूमेगा मैं नाचेगी, पर ये विजय वीर अवर दर्शन होगा। ना आज धनुष्कर्षण होगा, ना आज धनुष्कर्षण होगा, ना आज धनुष्कर्षण होगा। तो यदि नहीं धनुष्कर्षण होगा तो फिर ये बाणों का वर्षण होगा, बस आज धनुष्कर्षण होगा। किसके ऊपर? जो इसको तोड़ने से रोकेगा। मैं रोक रहा हूं। तो फिर आप ही माने। बाण कहां है तुम्हारे? बाण भी है। बाण है, चला दो फिर। क्या तुम रावण को मार सकते हो? हम तो चाहते हैं मरना कोई मारे हमें, तुम ही मार दो। हम क्यों मार दी? तुम ही कह रहे हो ना कि बाणों का वर्षण होगा। हाँ हाँ, मारोगे हमको? जानते हो हमको? हम क्यों मारेंगे? पहचानते हो हमको? मारने वाला खुद हो आएगा। कौन? जो मारेगा तुम्हें। कौन मारेगा? हम काहू के मर ही ना मारे। कौन? बानर मनुज जात तुई वाले। हमने पहले वरदान ऐसा मान रखा है। और रही बात मनुष्यों की, मनुष्य क्या रावण से आकर के प्रतिशोध लेंगे? ना, सावधान बाणासुर, ये गर्जू तो प्रलय का भयोधि भवक उठे, तर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फुकार तो ये फणिंद्र शीश पड़ने लगे, टक्कर के लगने से या बाहर टकराएंगे, दृष्टि के पड़ते रब दिन में मलिन हो, पक्के प्रहार धरा जीव अकलाएंगे, रोप राम हो गया निशंक है मेरा मन, तो सुतल लोग जाने के लाले पड़ जाएंगे। बाणासुर कौन भी जो रंजन का बजाए दे, मारूंगा बीन बीन योद्धा बलवान, मैं मच गई है हाहाकार, सुनो के लोक माई, किस वक्त रखूंगा धनुष पर बाण मैं। इसलिए कहता हूँ, समझाता हूँ बार बार, देखा ना समझा? ये भौकाल खींचवाला इसका महासागर प्रारब्ध का वेग, भौचाल का चक्कर, जब तक हृदय में शांति है तब तक मले हूं मैं, भर गया क्रोध से दो बारस प्रलय हूं मैं। लंकेश जी, इस कार्य को होने दो, इसलिए मैं समझा रहा हूं बार बार। जब तक रावण मिथिला में है धनुहा का ना खंडन होगा, जो तुड़वाएगा धनुहा को मस्तक का मंडन होगा। कुछ नहीं, मैं समझ गया, आज इस कार्य को होने दो, चलो मिथिला के बाहर निकल चलो, युद्ध करने की तैयारी, युद्ध करने की तैयारी में। अरे तुम क्या युद्ध करोगे हमसे? सावधान, तुम क्या युद्ध करोगे हमसे? मुझे छेदे मुझे बेधे नहीं शमशेर में अस्थि, ये मुझे चकड़ने की पकड़ने की नहीं जंजीर में शक्ति, मुझे डसकर सुलाने की और नहीं काले नाक में शक्ति, मुझे चलाने की तपाने की नहीं है आग में शक्ति, फिर तुम क्या हो? तो फिर चलो मिथिला के बाहर, फिर बल अजमा लेना, ये बाणासुर से परे सामना, अब फिर पानी भी नहीं मांगोगे। आज धनुहा के उपलक्ष पर बाणासुर से विवाद, युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। हे भोलेनाथ, मैं इस समय मिथिला में केवल इसलिए नहीं आया था कि अजगो का खंडन हो रहा है, मेरा उद्देश्य था कि सीता जगत की मां है, अगर सीता जगत की मां है तो जगत पिता का भी दर्शन होगा, केवल इस खातिर आया मिथिला, केवल एक उद्देश्य था मेरा
लेकिन आज जब आपका खंडन होगा तभी वो जगतपति मुझे मिलेगा, तभी तो मैं अपने बल विक्रम का वो जौहर दिखलाऊंगा, रुलाऊंगा, पहराऊंगा, डराऊंगा, धमकाऊंगा, तभी उसे अपनी लंका को बुलाऊंगा। तुम क्या जानो मेरे उद्देश्य की पूर्ति कहां से है? भोलेनाथ के पावन अज को रावण का प्रणाम। एक बार बड़ी जोर से जयकारा घोष करें, बोल शंकर भगवान की। आओ निकल चलो, चलो कहां? बाहर मिथिला के, मिथिला के बाहर। हाँ हाँ, फिर आओ। हे भूत भावन भगवान शंकर के विशाल अजगो, ये बाणासुर जा रहा है आपको प्रणाम, आपको बारंबार शीश नवा रहा है, शीश नवा रहा है, शीश नवा रहा है। जानी सुओ सरसी तब पठई जनक बुला,